लड़के ससुराल चली गई, क्यों डिस्टर्ब करो, क्यों बार बार, वो कोई बच्ची है या वो तुमने कोई कसाईयों को दान दी है? अरे वो संभालेंगे, उनकी ड्यूटी है। लेकिन ऐसे इंक्वायरियां करते हैं, बार बार ऐसे फोन बेटियों को करते हैं, तो क्यों करी शादी वहां? इतनी इंक्वायरियां करनी थी शादी के बाद, क्या खाया क्या नहीं खाया तो घर में, या तो भी दहेज में चली जाती माँ साथ में, करते बेटे की संभाल। और यदि विश्वास नहीं उस परिवार पे, काहे को मरी शादी की थी? अरे विश्वास को रहने दो। और जिन बेटियों में को ज्यादा फोन किए जाते हैं ना, वो एक भी परिकूल प्रतिकूल परिस्थिति नहीं सह पाती, हर बात माँ को बाप को बताएगी, बड़ा चढ़ा के बताएगी, घर में क्लेश हो जाएंगे। हम अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे, ये नहीं कहते। यदि बेटी ने थोड़ी सी शिकायत कर दी तो उसको कहना चाहिए, बेटी तेरे कर्म है पूर्व जन्म के, कर्म भी तो भोगने अच्छे बुरे, तेरे कर्मों के अनुसार जो भी प्रभु ने दिया है, जो भी विधान किया है, सहर्ष स्वीकार कर, उन्हीं की सेवा करके दिल जीत। मैं देखती हूँ कि मैंने तुमको क्या संस्कार दिए, उन संस्कारों से काम ले। मैं देखना चाहती हूँ, ठीक है तुम्हारी सास बुरी, तुम्हारा पति बुरा, तू अच्छा व्यवहार करके देख, तू तो मत बुरी बन, तू तो अच्छी बहू बन। वो अच्छी सास नहीं बन पाई, वो अच्छी पति नहीं बन पाया, तू तो अच्छी पत्नी अच्छी बहू बन के तू तो दिखा दे। तू क्यों शिकायत कर, तेरे भाग्य में जो लिखा था वो हुआ है, अपने भाग्य से समझौता कर, उन्हीं की सेवा। और आज के बाद कभी पाप नहीं करना, पति की माँ की कोई सास की बुराई करके निंदा नहीं करना। अगर तू मेरी बेटी है तो उन्हीं को अच्छा बना, कैसे, प्यार से, सेवा से। कोई भी परिवार के लोग को नहीं प्यार चाहता, कोई नहीं चाहता कि हमारी बात माने, तो उनकी बात मान, सेवा कर। लेकिन ये नहीं कहेंगे जो ही हल्की सी शिकायत की किसी की भी बेटी ने मां से, तो मां, अच्छा बेटी ऐसा, और आगे बताना फिर क्या हुआ, फिर क्या, एक एक बात पूछेंगी, दस दस बार पूछेंगी। अच्छी गृहस्थी को भी नरक बना देते हैं।